नमस्कार दोस्तों, उत्तम व्यक्ति कौन है? जो बहुत अमीर है, या जिसके पास बहुत अधिक ज्ञान है, या फिर जिसके पास बहुत अधिक बल है, या समाज में जिसकी बहुत अधिक प्रतिष्ठा है, या फिर वह है जो बहुत सुंदर है और जिसने ऊंचे कुल में जन्म लिया है, या फिर वह स्वभाव से सरल और बहुत शांत है। और जो भी परिभाषा आप लोगों को उत्तम व्यक्ति के विषय में आपको उचित लगती है, उसे आप सोच लें, पर जरा रुकिए और उत्तम व्यक्ति की किसी भी अवस्था के पास पहुंचने से पहले आप लोगों को भगवान गौतम बुद्ध की इस कहानी को सुन लेना चाहिए, जिससे आपको उत्तम व्यक्ति की असल अवस्था का ज्ञान जरूर हो जाएगा। तो चलिए सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है, गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ थे। उनके शिष्य एक दिन शहर घूमने निकले तो उस शहर के लोगों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। शिष्यों को यह बात बहुत बुरी लगी, वे वापस लौट गए। गौतम बुद्ध ने जब देखा कि उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिख रहे हैं, तो उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप सभी इतने तनाव में क्यों दिख रहे हैं? तभी एक शिष्य ने बड़े क्रोध में बोला, हमें यहां से तुरंत प्रस्थान कर देना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए तो यहां के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जहां हमारा सम्मान न हो, वहां हमें एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। यहां के लोग सिर्फ दुर्व्यवहार के सिवा और कुछ नहीं जानते। तब गौतम बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्या किसी और जगह पर तुम सद्व्यवहार की अपेक्षा रख सकते हो? दूसरा शिष्य बोला, इस शहर से तो भले लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना गलत होता है कि वहां के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हम तो संत हैं, हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक ना छोड़े जब तक अपनी अच्छाइयों से वहां के लोगों को सुधार ना दे। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहां के लोगों का कुछ ना कुछ भला करके ही वापस लौटे। हमारे अच्छे व्यवहार के बाद वह कब तक बुरा व्यवहार करेंगे? आखिर में उन्हें सुधरना ही होगा। वास्तविकता में संतों का कार्य तो ऐसे लोगों को सुधारना ही होता है। सही चुनौती तो वही होती है जब हम विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित कर सकें। ये सभी बातें सुनकर बुद्ध के एक प्रिय शिष्य आनंद ने प्रश्न किया, तो प्रभु, उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं, इसे बताइए। इस पर बुद्ध भगवान ने जवाब दिया, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ से तीर सहते हुए भी आगे बढ़ जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सुनते हुए अपना कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, इसी बात को एक बार और दोहराता हूं, खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध की बातें शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, यही पता चलता है कि उत्तम वह नहीं है जिसके अंदर बहुत ढेर सारी खूबियां हैं। उत्तम वो नहीं है जिसको बहुत सारा ज्ञान है। उत्तम वही है जो किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी बात से, किसी भी चीज से उत्तेजित नहीं होता है, जिसने अपनी मन की अवस्थाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, जो अपने आप को वश में रखता है, जो अपने मन को वश में रखता है किसी भी स्थिति में, वह अपना आपा नहीं खोता है। उत्तम वही व्यक्ति है, उससे उत्तम और कोई नहीं हो सकता। उससे उत्तम और कोई नहीं हो सकता। जिस तरह भगवान ने कहा है कि खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और हो ही नहीं सकता, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति इसे ही कहते हैं। उम्मीद है कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।